सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मैथ्स ऑप्शनल डिसाइड किया है तो आप कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग पढ़िए। उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि उन्होंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो की, क्या क्या उन्होंने तैयारी की, किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया। मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ें फॉलो की थी क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था, मेरा पहला अटैम्प्ट था और एक साल के अंदर एग्जाम होना था, तो मैं IMS के नोट्स ले आया और मैंने खाली नोट से पढ़ाई की, मैंने ज़्यादा बुक्स प्रेफर नहीं की। जो बहुत टफ पार्ट्स हैं जैसे फिजिक्स हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, रियल एनालिसिस, ये मैंने मैथोक्रेट चैनल है यूट्यूब पे, फ्री है एकदम, और शिवराज गुर्जर सर पढ़ाते हैं, वो IIT खड़गपुर के, उन्होंने खुद 300 प्लस स्कोर किया हुआ है मैथ्स में, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, वो वीडियोज़ आप देखिए, और IMS नोट्स। जब मैंने सेकेंड या थर्ड डिवीजन कर रहा था तब मैंने कुछ कुछ बुक्स में बस रेफरेंस के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स देखे, जैसे ODE में मैंने कॉशी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखे MD रायसिंघानिया से, वैसे ही PD का भी मैंने थोड़ा सा पार्ट MD रायसिंघानिया देखा, अगेन फ्लूइड डायनेमिक्स में MD रायसिंघानिया अच्छी बुक है, 3D ज्योमेट्री के लिए जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसके लिए PN चैटर्जी एक अच्छी बुक है, फिजिक्स के पोर्शंस के लिए कृष्णा सीरीज आप देख सकते हैं, उसके सवाल सॉल्व एग्जांपल आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी बार UPSC वहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं तो वो आप ज़रूर सॉल्व करें। तो बेसिकली मेरे रिसोर्सेज बस इतने ही से थे, IMS के नोट्स, मैथोक्रेट का चैनल, और कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए मैं कुछ कुछ बुक्स को रेफर करता था, उससे ज़्यादा मैंने कभी मैथमेटिक्स में उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मेरे मैथमेटिक्स में स्कोर इस बार 286 है 143 दोनों पेपर में, एंड जैसे मैंने बताया आप कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग ज़रूर से पढ़ें ऑप्शनल स्टार्ट करने पहले, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से लूसिड तरीके से एक्सप्लेन करा।